तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारिया डलारिया डलारिया डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारिया डलारिया डलारिया डा, ओ यहाँ सुनेगा नहीं कोई पुकारी है लारिया डलारिया डलारिया डा, हाँ तुम्हारे और मेरे घर के बीच में लारिया डलारिया डल। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में कुछ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान फिरोजी और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पर खुआर होता है। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंटेड रिक्शा ड्राइवर लड़का मौजूद है जो एक ही बहुत ही खूबसूरत आवाज़ का मालिक है। मुझे यहाँ से जाते जाते इस शख्स की आवाज़ ने रोक दिया और मैं मजबूर हो गया कि इसका मैं इंटरव्यू करूँ। आज मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिर बलोच है। मोहम्मद हाशिर बलोच भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह क्या डैशिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं आपने और आपकी आवाज़ भी इतनी कोई डैशिंग वाली आवाज़ है। नाज़रीन आपको सुनाएंगे इनकी आवाज़, आप भी इनकी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत सा गाना गुनगुना रहे थे, वो सज्जाद अली साहब का कौन सा गाना गा रहे थे अभी जो मैं रिक्शे पे जा रहे थे आप? साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तू नहीं हूँ। वाह वाह वाह, यकीन करें हम लोग डूब गए आपकी आवाज़ के उस घेरे समंदर में। जिस तरीके से आपने वो सुर लगाया ना, वाह मज़ा आ गया। अच्छा ये बताइए हाशिर भाई कि आप बाय प्रोफेशनली ये रिक्शा चलाते हैं, क्या करते हैं आप? मेरा एक्चुअली वर्क है, मैं रिक्शा भी चलाता हूँ और इसके अलावा पार्ट टाइम कोई काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, ये भी मैं करता हूँ। अच्छा आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं? जी हाँ। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन इंटरमीडिएट है, आगे मेरा बीकॉम कंटिन्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। देखें नाज़रीन ये पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। अच्छा हाशिर भाई, कभी आपको फील नहीं हुआ कि आप रिक्शा चला रहे हैं और फिर ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं आप, क्या डिफरेंस है दोनों साइड के अंदर? डिफरेंस तो बहुत है बिल्कुल, लेकिन मेहनत में अजमत है और मेहनत पर मेरा बिलीव है बिल्कुल, तो मेहनत से हार नहीं माननी और इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह, मुझे पता है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे, बहुत कामयाब होंगे, हमारी हमारे देखने वालों की, तमाम पाकिस्तान की और तमाम जितने व्यूवर्स हैं उन सब की आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं। हाशिर भाई हमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कुछ सुना दें। ऐसे लहरा के तू रू बरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रू बरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। वाह भाई वाह 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 वाह, वाकई में बहुत मज़ा आ गया। ये बताएं कि आप जो रिहर्सल जो करते हैं, रियाज करते हैं, कहीं से आपने सीखा है या अल्लाह की तरफ से आपको ये तोहफा है? जी मैंने बचपन में मैंने सीखा है, मेरे उस्ताद का नाम है उस्ताद खुर्शीद, तो मेरे फ्रेंड हैं, उनके वालिद साहब हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया मुझे, तो बस ये बचपन से सीखा है। बट अभी तो मैं ये वर्क कर रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ, बाकी दुआएं आप सबके साथ हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो आप देखें ना खूबसूरत जगहें जो लगाते यूँ करके,
यार वो जगाओं वाला एक और कोई गाना सुना दें यार, इन्होंने तो राज साहब को जो कैरी किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इनको लाइव सुन रहा हूँ, बस मैं बता, मेरी जो फीलिंग्स है मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ एक और सुना दें कोई ऐसे ही जगह लगाने वाला। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मैं बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया। आपके जैसे और भी कुछ दोस्त होंगे हमारे जो हमें देख रहे होंगे, जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि वो जो भी काम जिस फील्ड में है वो कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए यही मैसेज है, कभी हिम्मत नहीं हारें, इंशाल्लाह उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर। देखें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप अपना काम करते रहें, अल्लाह का काम है आपको कामयाबी देना, इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम ज़रूर चुमेगी। इस दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस अपनेपन के साथ अल्लाह हाफिज़।